16 करोड़ का जो सोना चोरी हुआ था उस मामले को उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोगों ने पटना के जेल में बंद सुबोध सिंह का नाम लिया है। सुबोध सिंह वही है जो उदयपुर में जो चोरी हुई थी, जिसमें दो चोरों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें भी उन्होंने सुबोध सिंह का नाम लिया था और बताया था कि सुबोध सिंह के इशारे पे ही वो घटना को अंजाम दिए हैं। आपको हम विस्तार से बताएंगे इस घटना के बारे में और आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जो 16 करोड़ का जो सोना चोरी हुआ था किस तरह से किया गया था, उसमें पुलिस की जो इंक्वायरी है कहां तक पहुंची है, और भी कई साथी अपराधी है जो पटना के इर्द गिर्द मौजूद है और भी कई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जिसमें पटना पुलिस कोशिश कर रही है, राजस्थान पुलिस आई हुई है और उन लोगों का कोशिश है, प्रयास है कि जो साथी चोर पटना के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं उन्हें भी इन लोगों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया जाए। तब आपको हम बताते हैं विस्तार से पटना से जो बड़ी खबर लेकर सामने आ रही है। पटना पुलिस ने 16 करोड़ का जो सोना चोरी हुआ था उस मामले को उद्भेदन कर दिया है। दोनों को चोर पकड़ा है इस मामले में। दोनों लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुबोध सिंह है जो जेल में बंद है, उनके इशारों पे ही सारे घटना को अंजाम दिया जाता है। सुबोध सिंह ने जेल में बंद रहने के बावजूद मध्य प्रदेश के कटनी बरगवा स्थित मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस से 16 किलो सोना लगभग 3.5 लाख रुपए नकद को चुरवाया था, डकैती करवाया था वहां से। पुलिस ने पटना में ही रहने वाले शुभम तिवारी और अंकुश को पकड़ा है मंडला से। उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद जब पूछताछ हुई है उनसे तो उन्होंने बताया है कि सुबोध सिंह के ही इशारे पे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो डकैती की है, लूट की घटना को अंजाम दिया है, वो सारा काम सुबोध सिंह के इशारे पे किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है और पुलिस प्रशासन पर यह सवाल खड़े करता है कि जेल में बंद सातीर अपराधी किस तरह अंदर जेल से घटना को अंजाम दिलवा रहा है। इसका मतलब कि जेल प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई है, जिस कारण से जेल के अंदर बंद जो साथी अपराधी है वो बाहर में इस तरह घटना को अंजाम दिलवा रहा है। आपको हम बता दें कि राजस्थान के उदयपुर प्रताप नगर थाना क्षेत्र में 29 अगस्त को मणिपुरम के ही दफ्तर में 12 करोड़ 50 लाख का लगभग, मतलब कि 25 किलो सोना चोरी किया गया था। 25 किलो सोना और 10 लाख रुपए कैश लूटा गया था, जिस मामले में वैशाली के प्रिंस और फंटूस को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में भी फंटूस ने बताया और उसके साथी ने बताया कि वो सुबोध सिंह के इशारों में इस घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं जहां भी सोना और कैश की जो डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, उसमें सुबोध सिंह का जो नाम है वो सामने आ रहा है, जो भी साथी को पकड़ा जा रहे हैं। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि कुछ लोग और भी संदिग्ध लोग हैं जो कि पटना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पटना पुलिस से इन लोगों की निशानदेही पर उन्हें भी पकड़ने के प्रयास लगी हुई है। आपको हम बता दें कि राजस्थान पुलिस भी पहुंची हुई है पटना और पटना पुलिस के सहयोग से वो अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे थे DNN न्यूज़। धन्यवाद। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।